हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये वाला छोटा सा एक वीडियो जूनियर अकाउंटेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए है। काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि तैयारी करें या नहीं करें, फॉर्म भरें या नहीं भरें, सीईटी के अंदर उनके जो एग्ज़ाम का स्कोर है उससे रिलेटिव उनकी काफ़ी सारी क्वेरीज थी। तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, शायद वो आपको कुछ बता पाएँ या कुछ आप समझ पाओ कि उससे आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं। सीटें इनके बारे में आपको पता ही है, 5000 से ज़्यादा सीट्स हैं। लास्ट डेट आपकी आने वाली है 27 लास्ट डेट है। तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए थोड़ी सी बातें करते हैं, शायद आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट आ जाए। सबसे पहली बात जो सभी बच्चों के जहन में है, क्या वो जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं, क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, फॉर्म भर दिए गए हैं। तो चीज़ समझो बच्चे कि जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कितने स्टूडेंट कर रहे हैं आपके चारों तरफ, वो आप देखो एक बार। रहा फॉर्म की बात, तो फॉर्म सभी ने भरा है। आरएस की तैयारी करने वाला थर्ड ग्रेड में जिसका नंबर आ गया, दुगनों में उसके अंदर है, फर्स्ट ग्रेड में जिसका नंबर आ गया, 30 जुलाई को जिस सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम आ रहा है, उन सभी ने फॉर्म को फिल करा है। तो कट ऑफ जो होती है 15 गुना, एक सीमित संख्या में ही स्टूडेंट लेने हैं। कट ऑफ जो आप सोच रहे हो उससे काफ़ी ऊपर जाए। काफ़ी सारे वीडियो चल रहे हैं कि 150 के आसपास वाले बच्चे तैयारी करें, 140 के आसपास, 160 के आसपास। मेरा ये मानना है कि जूनियर अकाउंटेंट की जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी में लगभग 180 प्लस जाएगी ही जाएगी। आप सोचो, फॉर्म सभी ने भरा है, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा, सब ने भरा है। क्योंकि वन टाइम पेमेंट देना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट करना है, 600 रुपया, 400 रुपया उसने फिल कर दिया है। अब आरएस के लिए भी वो क्लिक करता है नेक्स्ट, आरएस का फॉर्म हो गया, तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी क्लिक करेगा नेक्स्ट, चाहे तैयारी करे या नहीं करे, उसने भरा है। मैंने चारों तरफ जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन लोगों ने सभी ने जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म फिल करा है। एक चीज़ तो ये है, कारण सिंपल सा है कि फीस नहीं लग रही। अगर ये फीस का होता तो बच्चा सोचता है यार 400 रुपये बिगड़ेंगे। अब उसने आरएस के लिए 600 या 400 रुपये में जो भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है तो फीस बढ़ दी। अब उसको क्या दिक्कत आ रही है, क्लिक की तो करना है, नेक्स्ट करना है, आज करना तो कोई ई मित्र पर जाना है, आप फोन से आराम से फिल कर सकते हो जब आपको कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, फोटो अपलोड नहीं करनी काफ़ी हद तक। तो जनरल कैटेगरी की 180 प्लस जाएगी ही जाएगी जहां तक मेरा अनुमान है। अगर आप ओबीसी की बात कर लो तो 175 के आसपास रहेगी, एक दो आप प्लस माइनस कर लो। ईडब्ल्यूएस की बात कर लो, सेम रहेगी मेरे हिसाब से ओबीसी की, ओबीसी के हिसाब से फिर भी अपन एक दो नंबर कम ले लें, 172 के आसपास। एसटीएससी की अगर आप बात कर लो तो मेरे हिसाब से 160 प्लस के आसपास उनकी रहने वाली है। तो अगर जनरल कैटेगरी में आपके 180 के आसपास हैं तो आप बहुत शिद्दत के साथ तैयारी करें, अगर जूनियर अकाउंटेंट आपका ड्रीम है तो। क्लियर है? और कॉमर्स वाला अगर कोई स्टूडेंट है, 180 प्लस अगर बना रहा है तो गोल्डन चांस है उसको जूनियर अकाउंटेंट बनने का। वो तो सब कुछ छोड़कर अपने जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करे अगर वो उसका बैकग्राउंड कॉमर्स से है। उसका कारण ये है, देखो अगर मैं बात करूं फर्स्ट पेपर की, तो मैथ है, कंप्यूटर है, साइंस है, हिंदी है, आपके पास इंग्लिश है और राजस्थान जीके, 6 पेपर हैं। आपने सीईटी में भी यही दिए थे तो इतना बड़ा इशू नहीं होने वाला। कॉमर्स का आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा है, कॉमर्स बैकग्राउंड वालों ने, तो बहुत अच्छा चांस है। बाकी आर्ट्स और साइंस वालों को ऐसा सब्जेक्ट टच करना पड़ रहा है जो उन्होंने कभी नहीं पढ़ा। क्लियर है? तो कॉमर्स वाले अगर 180 प्लस है तो सब कुछ ये समझ लो कि उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। आर्ट्स और साइंस वाले, देखो फर्स्ट आर्ट और साइंस वाले फर्स्ट पेपर पूरा उनका तैयार है, मैथ उनकी तैयार है, सीईटी में भी वही दिया था और सीईटी में ही इसमें भी वही है। साइंस है, राजस्थान जीके उन्होंने काफ़ी बार पढ़ ली, हिंदी काफ़ी बार पटवारी की तैयारी करके जो बच्चा है उसने पढ़ रखी होगी, वीडियो में कुछ दुगने में रह गया उसने पढ़ रही होगी, दुगने में आ गया लेकिन फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया, उन सभी ने पढ़ रखी है। तो वो कॉमर्स को टच कर सकते हैं, खासतौर से 5th और 6th जो उनका पेपर है जिसको रट्टाफिकेशन चलेगा
उसको आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो, इकोनॉमिक्स आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो, अकाउंट में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बुक कीपिंग में थोड़ी हो सकती है, ऑडिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन की जा सकती है। तो मेरा फाइनल है कि ये कट ऑफ जा सकती है, आप जो सोच रहे हो कट ऑफ उससे ज़्यादा ही जाएगी। ये कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में ये चीज़ हमने देखी है कि जब हम कट ऑफ 100 की सोचते हैं तो वो 110, 120, 130, आप थर्ड ग्रेड की देखो, आपने जो सोचा था उससे ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम में जो आप सोचते हैं उससे ज़्यादा जाएगी। कोई अगर ये सोच रहा है कि 160 है तो आप तय मान लो कि वो 180 भी होगी। तो मेरा ये मानना है कि ये कट ऑफ रह सकती है, क्लियर है? तो तैयारी करते रहें, और कुछ जैसे भी इन्फॉर्मेशन आपके मैसेज आते हैं मैं उसके लिए अब धीरे धीरे वीडियो बनाता रहूँगा, और तैयारी करते हैं। ओके, थैंक यू।